वकास भाई, ये जो फाइबर के ऊपर गिग इमेजेस होते हैं या फिर गिग थंबनेल्स होते हैं या फिर गिग कवर्स होते हैं, इनका एग्जैक्ट साइज क्या होता है? हम जब भी गिग बनाते हैं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्रॉप हो जाती है या फिर जो ग्राफिक उसके ऊपर लगाते हैं वो क्रॉप हो जाता है। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन क्रॉप हो जाएगी तो आपको इंप्रेशंस तो आएंगे लेकिन आपके गिग के ऊपर बायर्स क्लिक नहीं करेंगे, और जब आपके गिग के ऊपर बायर्स क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो चलें आज मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइबर का 2022 की जो न्यू अपडेट है उसके मुताबिक एग्जैक्ट गिग का साइज़ क्या है, ताकि जिससे आपकी गिग की इंफॉर्मेशन क्रॉप भी ना हो और सेकेंडली आपकी गिग इजीली अपलोड हो जाए। मैं आपको मिनिमम साइज़ भी बताऊंगा कि कितना मिनिमम साइज़ है जो रखना चाहिए ताकि गिग आपकी इजीली अपलोड हो जाए। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू वेको ग्राफिक्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम फाइबर के ऊपर चलते हैं। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि फाइबर के ऊपर जो गिग्स होती हैं या उनके ऊपर जो गिग इमेजेस लगे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हम यहाँ पे फाइबर के सर्च बॉक्स के अंदर हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। मैं फ्लायर डिज़ाइन फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ। ठीक है, तो फ्लायर डिज़ाइन में टाइप करता हूँ और मेरे सामने देखें इस तरह की गिग्स अपीयर हो जाती हैं। तो गिग्स सिर्फ फर्स्टली जो गिग्स हैं उससे मुराद ये होता है कि कोई भी सर्विस है वो आप इस तरह जो है ना डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो ऊपर आपको सामने नज़र आ रहे हैं इनको गिग इमेजेस बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर इनका साइज़ एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो क्रॉप हो जाएगी। अभी यहाँ पे जैसा देखें कई लोगों ने अपने गिग इमेजेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे तकरीबन सब की इन्फॉर्मेशन वो इजीली जो है ना वो नज़र आ रही है। लेकिन जो जो लोग मतलब न्यूली अपनी गिग क्रिएट करते हैं और वो अपनी गिग अपलोड करते हैं तो उन्हें इशू आता है इसमें कि जो गिग का जो साइज़ है वो एग्जैक्ट नहीं रखते, इसकी वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई वो क्रॉप हो रही होती है। तो मैं अभी चलता हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो फाइबर की जो गिग्स हैं उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या होता है। तो मैं इलस्ट्रेटर में आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे एक रैंडम आर्टबोर्ड बना लिया है, लेकिन मैं आपको इसको मॉडिफाई करके बताऊँगा कि जो गिग इमेजेस का एग्जैक्ट साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो ये मैंने फाइबर की अपनी जो वेबसाइट है वहीं से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने कॉपी की हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम 3 इमेजेस हमें अलाउड होती हैं, जो फाइबर की जो गिग होती है उसके ऊपर अपलोड हम 3 मैक्सिमम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड जो साइज़ है वो है 1280x769 पिक्सल्स, और जो रेजोल्यूशन है वो 72 DPI होना चाहिए। अब जिस तरह ये मेरे पास आर्ट बोर्ड है तो इसमें जो हमारी विड्थ है वो 921 है, तो हमने इसको करना है 1280 पिक्सल्स करना है, और जो इसका मैंने हाइट करनी है वो 769 करनी है। तो ये जो साइज़ है बेसिकली, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, देखें ये साइज़ है जो फाइबर पे रिकमेंडेड है, 1280x769 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे इसको एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेड जो साइज़ है वो है 1280x769 पिक्सल्स, और रेजोल्यूशन होना चाहिए 72 DPI। इसी तरह सेकंड जो है मिनिमम, मतलब इससे अगर आप कम करेंगे तो फाइबर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी गिग, मतलब आपको अलाउ नहीं करेगा, वो गिग अपलोड नहीं होगी, वो है 712x430। ठीक है, मतलब 712x430। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसी आर्टबोर्ड की एक कॉपी ले लेता हूँ।
और थर्डली जो मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है, मैंने आपको रिकमेंडेड साइज़ भी बता दिया, फिर सेकेंडली मिनिमम साइज़ भी आपने देखना है, और जो मैक्सिमम साइज़ है वो है 4000 × 2416। मतलब इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो भी फाइबर जो है ना वो आपकी गिग इमेज को अपलोड करना अलाउ नहीं करेगा आपको। तो ये रहे हमारे तीन साइजेस जो के फाइवर पे गिग इमेजेस बनाते वक्त आपने इनका ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4000 × 2416 पिक्सल्स, और ये 72 DPI में आपने जो है ना इसको गिग इमेज को बनाना है। और रेकमेंडेड जो मिड में है वो है 1280 × 769 और पिक्सल्स में है ये, और 72 DPI, और सबसे मिनिमम है 712 × 430 पिक्सल्स, और ये भी 72 DPI में है। इसके अलावा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप गिग्स बना चुके हों और इसको एक्सपोर्ट करने लगे हों तो जो गिग्स का जो साइज़ है वो 5 MB से कम हो। अगर वो भी 5 MB से ज़्यादा होगा तब भी आपकी जो गिग है वो अपलोड नहीं होगी और फाइबर जो है ना वो एरर देगा। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कोई भी कंप्रेस, मतलब JPG या PNG, जिस फॉर्मेट में भी आपने इमेज बनाया है गिग का, उसको आप कंप्रेस करके तो उतने 5 MB के साइज़ से कम करके ले आएँ। तो आई होप कि जो है ना इसके बाद आपकी जो गिग इमेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है या जो ग्राफिक्स हैं वो क्रॉप नहीं होंगे, और फाइबर भी इजीली जो है ना वो आपकी गिग एक्सेप्ट कर लेगा, और आपको इम्प्रेशंस भी मिलेंगे, क्लिक्स भी मिलेंगे, और आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।